अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान गुलाम मुर्तज़ा भुट्टर। नाज़रीन कहते हैं कि ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा, तुम कितने भुट्टो मारोगे। आज मेरे साथ मेरे मुल्क पाकिस्तान की सबसे गरीबों की जमात, जो मजदूरों की जमात, जो मजलूमों की जमात जो है, पाकिस्तान पीपल पार्टी की जो अजीम वर्कर हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम थोड़ा सा नाज़रीन को आप अपना मेरे प्रोग्राम के तारफ करवा दें। प्रोग्राम आज भुट्टो साहब की सालगिरह का प्रोग्राम था, सेमिनार भी था, और दूसरा ये कि आज जालों का दिन था, आज किसानों का दिन था, आज गरीबों का दिन था, आज आहें थी, सिसकियाँ थी उन गरीबों की जिनकी छत टपकती है। और मैं आज के चाबरों को पहले तो ये पैगाम देती हूँ जिन्होंने मोहतरमा शहीद बीबी को शहीद किया, और मैं ये उनको शेर के हवाले से बताती हूँ कि बिफरती हुई मौजे बला के वरूद से कह, बिफरती हुई मौजे बला के वरूद से कह दे लहू से मांग, सजाना भी हमको आता है क्यों कि हमने सजा के दिखाया, और आइंदा भी हम तो हाजिर हैं, हमारा खून हाजिर है। भुट्टो ख़ानदान एक शहादतों की नवीद है, एक लैन लेती हुई है, आपने भी देखा पूरा ख़ानदान इन्होंने इसी तरह। भुट्टो ख़ानदान के ही क्यों इम्तहान इतने, जरदारी साहब को आप देख लें, कोई केस नहीं साबित हुआ, कुछ नहीं हुआ, जितनी नज़र बंद कर दिया मैम। और दूसरा भुट्टो साहब की सालगिरह के हवाले से मैं यही कहूँगी कि मौत तो तुझे आनी थी, तूने मर जाना था, क्योंकि मेरे अल्लाह का फैसला कल है। मौत ना नबियों से टली, ना वलियों से टली, ना इमामों से टली। आप करबला को देख लें, करबला के बाद दूसरी करबला भुट्टो ख़ानदान में बर्पा हुई, और मौत तो तुझे आनी थी, तूने मर जाना था, अफसोस कि तेरा कातल तेरा दरबार। बहुत शुक्रिया। जिए भुट्टो, सदा जिए। नारायण भुट्टो, जिए भुट्टो।